हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। सो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स दे दूं। जिन लोगों ने भी मेंटोरशिप के लिए रजिस्टर किया हुआ है जून बैच के लिए, आपका जो लाइव सेशन है वो 8 जून से स्टार्ट होगा, राइट। और आपको सारे लिंक्स जो हैं लाइव सेशन के लिंक्स हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल, जो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है उस पर आपको मिल जाएंगे, राइट। और अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या फिर iOS यूज़र हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा दूँ। ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी आज एक कम्प्लीटली रेंज बाउंड थी। आप यहाँ पर देखिए, निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुली, उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में एक सडन डाउनफॉल आया, एक शार्प डाउनफॉल आया फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो बिग रेड कैंडल बनी है फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में, 9:15 टू 9:30 के बीच में एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद स्लोली मार्केट में रिकवरी आई, फिर हमारा एक दूसरा रेजिस्टेंस बना, फिर सबसे पहले हमारा एक सपोर्ट बना 16,450 के आसपास। ये मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि अगर निफ्टी 16,450 के आसपास आएगी और उसको ब्रेक करेगी तो हम लोग अपना एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। उसके बाद निफ्टी ने दोबारा सपोर्ट लिया 16,500 के आसपास, निफ्टी ने दोबारा सपोर्ट लिया और फिर निफ्टी थ्रू आउट द डे ऊपर ही रही। और लास्ट फ्राइडे को निफ्टी की जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, आज के दिन भी निफ्टी उसी लेवल पे क्लोज हुई है। तो अगर हम देखें निफ्टी का चार्ट तो निफ्टी कम्प्लीटली साइडवेज थी। हाँ, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव थी, थोड़ा बुलिश थी कंपेयर टू निफ्टी। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, बैंक निफ्टी भी फ्लैट खुली, ऑलमोस्ट थोड़ा सा नेगेटिव खुली बट उसके बाद फ्लैट हो गई। और उसके बाद थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी भी साइडवेज थी। बट अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में कभी भी कोई सडन डाउनफॉल नहीं आया कंपेयर टू निफ्टी, और बैंक निफ्टी कम्प्लीटली साइडवेज थी, राइट। तो अगर हम देखें तो इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज हैं, और अभी आने वाले 2-3 दिन में भी साइडवेज होने के चांसेस हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आपको डेटा पे दिखाऊंगा कि ऐसा क्या डेटा हमने देखा है, ऐसा क्या हमने एनालिसिस किया है कि ऐसे चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में 2-3 दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज रहने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आई चार्ट पे आ गए। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं ये जो एनालिसिस करता हूँ ऑप्शन एनालिसिस, वो कौन सा सॉफ्टवेयर पे करता हूँ। तो ये आई चार्ट का एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक वेबसाइट है, उनके वेबसाइट पे मैं ऑप्शन एनालिसिस करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा लिया है। अच्छा, ये वेबसाइट करना आपके लिए यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो एनएससी की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, राइट। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप चाहे एनएससी की वेबसाइट पे भी करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए, राइट। मार्केट के एंड के बाद जब मार्केट क्लोज हो उसके बाद आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं जो भी रेगुलर अपडेट वीडियो बनाता हूँ उसमें सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो ही बनाता हूँ, सो दैट कि आप समझ सकें कि किस तरह से एक्चुअल में एनालिसिस करना चाहिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो आयरन फ्लाई का ट्रेड है, आप यहाँ पे देखिए हमारा आयरन फ्लाई का जो ट्रेड है वो 16,600 पे है। तो ये 16,600 पे अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स में अगर हम कंपेयर करें तो कॉल राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पुट राइटर्स, राइट। यहाँ पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, कंपेयर टू कॉल राइटर्स में अगर हम देखें तो 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, राइट। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कॉल राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मार्केट थोड़ा सा बेयरिश है, राइट। बट अगर हम मेन सपोर्ट देखें तो हमारा 16,400 पे, आज के दिन मार्केट 16,450 के आसपास एक बार आया था बट 16,400 को ब्रेक नहीं कर पाया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो निफ्टी के लिए 16,400 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जाए। आज के दिन पे 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट भी खड़ा हुआ है जो कि आज के दिन ही ऐड हुआ है, तो निफ्टी के लिए 16,400 एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू पुट राइटर्स, सिर्फ 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो फिलहाल के लिए 16,400 पर पुट राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमारे लिए 16,700 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, निफ्टी हार्डली ही 16,700 को ब्रेक कर पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, उसके कंपेरिजन में पुट राइटर्स सिर्फ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,38,000 का अनवाइंडिंग भी हुआ है, मतलब पुट राइटर्स अब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं इस लेवल पे 16,700 पे। तो ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो 16,300 है, नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट है वो 16,400। तो आप देख सकते हैं कि बहुत टाइट रेंज, सिर्फ
300 पॉइंट्स के बीच में निफ्टी के मूव होने के चांसेस हैं एज पर द डेटा कि नेक्स्ट 3 to 4 डेज में निफ्टी सिर्फ 300 पॉइंट्स की रेंज में मूव कर सकती है। मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, एनालिसिस मेरा गलत हो जाए, बट अगर मेरा एनालिसिस गलत भी होता है तो फिर मैं अपने एडजस्टमेंट को उस हिसाब से करूँगा, राइट। अब हम देख लेते हैं निफ्टी का स्टैट्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निफ्टी का स्टैट्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपको क्लियरली दिखेगा कि कॉल राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कम्पेयर टू पुट राइटर्स। ग्रीन, ये जो ग्रीन बार है ये कॉल राइटर्स हैं और ये जो रेड बार है ये पुट राइटर्स हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा 16,700 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं, बट आप यहाँ पे भी देखिए 16,500 पे पुट राइटर्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो हमारे लिए एक्चुअल क्रूशियल लेवल है ना, आप यहाँ पे देखिए निफ्टी के लिए 16,500 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिलहाल के लिए। पुट राइटर्स इस लेवल पर फाइट कर रहे हैं आज के दिन भी। पुट राइटर्स एक्चुअली थोड़ा नीचे चला गया था मार्केट, 15,000 को एक बार को ब्रेक कर दिया था मार्केट, बट जस्ट ब्रेक किया था, जस्ट टच किया था, उसके बाद मार्केट एक बार भी 15,000 को ब्रेक नहीं किया, 16,500 को ब्रेक नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए मार्केट एक बार भी 16,500 को ब्रेक नहीं किया था। ये डे के स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके बाद जो मार्केट ने नेक्स्ट सपोर्ट लिया 16,500 को एक बार भी मार्केट ब्रेक नहीं किया और इसके ऊपर ही सपोर्ट लेके इसके ऊपर ही दिन भर मूव करता रहा। तो हमारे लिए फिलहाल निफ्टी के लिए 16,500 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 16,700, राइट। अब हम लोग बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के लिए 35,500 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,63,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, उसके कंपैरिजन में पुट राइटर्स सिर्फ 11,59,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, राइट। और यहाँ पे अनवाइंडिंग भी आपको दिखेगी, मतलब पुट राइटर्स इस लेवल पे 35,500 पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं और अब इस लेवल से नीचे की तरफ जा शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। तो मार्केट के लिए 35,500 अब एक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देखेंगे 35,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग भी हो रखी है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अभी एक रेंज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ आपको 35,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है जिसमें से 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट सिर्फ आज के दिन ही ऐड हुआ है। उसके कंपेरिजन में अगर हम पुट कॉल राइटर्स की बात करें तो सिर्फ 6,50,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो कॉल राइटर्स काफ़ी वीक हैं कंपेयर टू पुट राइटर्स 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, राइट। और ऊपर की तरफ 35,500 कॉल राइटर्स के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पुट राइटर्स, राइट। अब हम लोग स्टैट्स भी देख लेते हैं सो दैट कि हमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए बैंक निफ्टी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल राइटर्स अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पुट राइटर्स, मतलब मार्केट थोड़ा सा बियरिश है। अगर आपकी, मैं आपको एक सिंपल सा अजम्पशन बता देता हूँ कि अगर आप ये देखते हैं कि ग्रीन कैंडल बड़ी है कंपेयर टू पुट रेड कैंडल, मतलब कि मार्केट थोड़ा बियरिश है। अगर रेड कैंडल बड़ी होती मतलब पुट राइटर्स ज़्यादा एक्टिव होते कंपेयर टू कॉल राइटर्स, मतलब मार्केट थोड़ा बुलिश है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है कॉल राइटर्स की तरफ से वो 35,500 पे खड़ा है और पुट राइटर्स फाइट कर रहे हैं 35,000 के लेवल के लिए। सो ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर किसी भी एक तरफ ब्रेक आउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। अगर आप मुझसे पूछें क्या मुझे, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया है, तो मार्केट 35,000 को सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा। हो सकता है एक आध स्पाइक में 35,000 ब्रेक करे, बट ओवरऑल अगर हम देखें कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज अगर हम देखें तो मार्केट 35,000 को रिस्पेक्ट करेगा और इसके ऊपर ही क्लोज होने के चांसेस हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेड के ऊपर। ये हमारा आयरन फ्लाई का ट्रेड चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो मैंने ट्रेड आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया है उसमें मैंने ये स्ट्राइक प्राइस शेयर नहीं किया है, 17,100 का कॉल ऑप्शन मैंने एक एक्स्ट्रा सेल किया है जिसका 15 रुपीज़ का प्रीमियम मैंने सेल किया हुआ है। तो ये मैंने टेलीग्राम पर अपडेट नहीं किया है, उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। देखिए पहली बात तो ये सेल करना कोई नेसेसरी नहीं था, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड पड़ा था, कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन पड़ा हुआ था जो मैं ऐसे मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास ऐसे फ्री मेरे अकाउंट डीमैट अकाउंट में पड़ा रहे। तो मैंने जस्ट एक एक्स्ट्रा सेल कर दिया सो दैट कि मैं अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकूं, राइट। इससे कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आएगा ओवरऑल ट्रेड में। और जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ इस समय टेलीग्राम पे, वो एडजस्टमेंट इसके हिसाब से मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो जो भी एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो एडजस्टमेंट इस हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। मैं खुद का एडजस्टमेंट भी, अपना एडजस्टमेंट भी मैं इसी हिसाब से कर रहा हूँ,
राइट right? तो आपको जो एडजस्टमेंट है ये सारी चीज़ें इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, जस्ट कि मैंने एक मेरे पास कुछ फंड एक्स्ट्रा पड़े थे तो मैंने उसको सेल कर दिया। अब आप पूछेंगे कि ये टोटल ट्रेड मैंने कितने लॉट्स में किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं अपना एक बार टर्मिनल खोल लेता हूँ, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो फिलहाल तो हमारा इस ट्रेड में 41,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेड इस बार मैंने थोड़े ज़्यादा लॉट में किए हुए हैं, मैंने 35 लॉट में किए, यूजली मैं 28 लॉट में करता हूँ, 28 लॉट, कभी कभी 30 लॉट में, बट इस बार मैंने 35 लॉट्स में किए हुए हैं, राइट। और इस अकाउंट में इस समय थोड़े पैसे भी ज़्यादा हैं, अराउंड 80 लाख के आसपास हैं, राइट। तो मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ, हाँ ये एडजस्टमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने क्या किया, आज बहुत सिंपल एडजस्टमेंट किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि डे एंड में अगर मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने दोनों हेजेस को 100-100, अगर हम बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो हम 100-100 पॉइंट, और निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 50-50 पॉइंट्स इनसाइड की तरफ अपने हेजेस को शिफ्ट कर देते हैं, सो दैट कि हमें जो हमारा मैक्सिमम रिस्क है वो हम कम कर सकें, राइट। तो वही मैंने किया है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि अराउंड 3 o'clock मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि 16,900 को और 16,600 के पुट ऑप्शन को क्लोज कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी नोट किया हुआ है कि जिस जिस प्राइस पे मैंने क्लोज किया है वो स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैंने इन दोनों को क्लोज किया और उसके अगेंस्ट भी मैंने इन दोनों को कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाय कर लिया, राइट। तो सिर्फ यही एडजस्टमेंट मैंने किया है, इसके अलावा आज के दिन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। अगर कल मार्केट इसी रेंज के अंदर रहती है तो कल हम फिर से सेम एडजस्टमेंट करेंगे, फिर से हम अपने दोनों स्ट्राइक प्राइस को कॉल एंड पुट को 50-50 पॉइंट्स अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, अगर मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आती है तो। अगर कोई बड़ी मूवमेंट आती है ऊपर या नीचे की तरफ तो हम अपनी एडजस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर से आंसर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।